जीवन का अंत वो सच्चाई है जो हमें डराती भी है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। अब आला दर्जे की साइंस एक ऐसे मिशन पर चल पड़ी है जो इंसान की उम्र बढ़ा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसका जवाब बायोलॉजी में छिपा है, जबकि कुछ मानते हैं कि वो शायद हमारे दिमाग के अंदर छिपा है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इमॉर्टेलिटी से मानवता ही खत्म हो जाएगी। तो क्या मौत निश्चित है या फिर हम कभी मरेंगे ही नहीं? स्पेस, टाइम और खुद जिंदगी, ब्रह्मांड के ये रहस्य हम जानेंगे थ्रू द वर्म होल। समय की रेत अपनी लय पर गिरती है, वो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कुछ दिनों की है, मौत एक सच्चाई है। लेकिन अगर जिंदगी का कभी अंत ही ना हो तो पिछले 200 साल में ही इंसान की औसत उम्र दुगनी हो गई है और वो 40 से 80 के आसपास पहुंच चुकी है। नई नई खोजें बायोलॉजी और फिजिक्स जल्दी ही हमें इमॉर्टल भी बना सकती है। अच्छा हो या बुरा, पर मुझे अभी देख रहे कुछ लोग शायद उस दिन भी मौजूद रहें जब उम्र और मौत अतीत की यादें बनकर रह जाएं। मुझे वो दिन याद है जब मैं अपनी दादी के संदूक की तलाशी ले रहा था, तब मुझे ऐसी चीज मिली जो उसमें कई साल से रखी थी, लेकिन सबका रंग उड़ गया था। वो मुड़ी तुड़ी थी, जंग लगी थी। उन चीजों को देखकर मैं सोचता था कि मेरी ऐसी हालत कब होगी। मिचियो काकू न्यूयॉर्क के सिटी कॉलेज में थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है और वो साइंस के इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि क्या हर जीव की मौत के पीछे फिजिक्स के नियम लागू होते हैं। फिजिक्स का एक बड़ा ही अलग नियम है जिसे थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहते हैं, और वो कहता है कि हर चीज में जंग लगता है, हर चीज सड़ती है, टूट जाती है। हम सभी एटम्स के बने हैं और एटम्स भी थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम का ही पालन करते हैं। इस ब्रह्मांड की हर चीज ऑर्डर से डिसऑर्डर की ओर जाती है, और एक बार नुकसान होने के बाद उसे रिवर्स या अनमिक्स कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये वो प्रोसेस है जिसे एंट्रोपी कहते हैं। मैं जब कॉफी को मिलाता हूं और उसमें दूध डालता हूं तो मैं उसकी एंट्रोपी बढ़ाता हूं, उसका डिसऑर्डर बढ़ाता हूं। ये सोचना कि दूध वापस अलग होकर पहले जैसा हो सकता है बड़ी ही अब्सर्ड सोच है, और ऐसा होता देखने के लिए हमें शायद ब्रह्मांड की उम्र से भी ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम एक कॉन्स्टेंट फोर्स है। कोई भी चीज एंट्रोपी की पार से नहीं बच सकती, हमारे शरीर के सेल भी नहीं। इसी वजह से हमारी उम्र बढ़ती है और हमारी मौत होती है। लेकिन अब पता लग चुका है कि एंट्रोपी के नियम में एक लूप होल भी है, एक तरीका है जिससे डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाया जा सकता है। अब मान लीजिए कि हर कैंडी एक एटम है। अब अगर मैं यहां थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम लागू करता हूं तो जाहिर है कि एंट्रोपी बढ़ेगी, ये सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी और बेतरतीबी भी बढ़ जाएगी। ये देखिए, पहले ट्रे में रखी कैंडी ऑर्गेनाइज थी और कलर कोडेड भी, लेकिन जब ट्रे को वाइब्रेट किया जाता है तब दूसरा नियम काम करने लगता है। हालांकि अभी हमें एंट्रोपी साफ साफ दिख रही है, लेकिन मैं उस एंट्रोपी को बाहर से एनर्जी डालकर रोक सकता हूं। लेकिन उसके लिए मुझे लगातार सावधान रहना होगा, बाहर से लगातार एनर्जी डालनी होगी। यह काम आसान नहीं है। एनर्जी और कंसंट्रेशन मिचियो इस बेतरतीबी को रोक सकते हैं, लेकिन एक ट्रे में रखी कैंडी की एंट्रोपी को रोकना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि हमारे शरीर के अंदर की एंट्रोपी को रोकना। सवाल है, शुरुआत कहां से होगी? वॉल्टर लॉन्गो इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। ये सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में
जेरोंटोलॉजी के प्रोफेसर हैं। इन्हें मालूम है कि बहुत से जीव तेजी से अपनी जिंदगी बिताते हैं और बहुत कम उम्र में उनकी मौत हो जाती है। ये मानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर की एंट्रोपी को पलटने का एक ही तरीका है, शुरुआत वहां से की जाए जहां मामला सबसे गर्म होता है, इंजन से। इंजन के अंदर पेट्रोल ऑक्सीडाइज होता है और ये एक कंबस्चन प्रोसेस है जिससे कार को एनर्जी मिलती है, लेकिन उसकी वजह से इंजन को नुकसान होता है और तब हमें इंजन को फिर से बनाना पड़ता है। हमारे शरीर के हर सेल में भी एक छोटा सा इंजन होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर होते हैं जिनका काम है शरीर को एनर्जी देना, लेकिन जब ये पावर हाउस कमजोर पड़ने लगते हैं तब हमारा शरीर भी कमजोर होता है और हमारी उम्र बढ़ती है। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि हर सेल में सैकड़ों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, छोटे छोटे इंजन, और वो सैकड़ों छोटे छोटे इंजन हमारे शरीर में मौजूद हर सेल को लोकली एनर्जी देते हैं। लेकिन वॉल्टर ने एक बहुत ही छोटे से जीव में उस डिटीरियोरेशन प्रोसेस को रिवर्स करने और उसके माइटोकॉन्ड्रिया को नया जीवन देने का तरीका ढूंढ लिया है। उन्होंने बेकर्स यीस्ट की उम्र बढ़ा दी है। हम जिस यीस्ट से बियर और ब्रेड बनाते हैं उसकी उम्र 10 हफ्ते बढ़ा दी है, यानी वो अब यीस्ट की नॉर्मल उम्र से 10 गुना ज्यादा हो गई है जो सिर्फ दिन की होती है। ये समय ज्यादा तो नहीं लगता, लेकिन इंसान के हिसाब से वो उम्र 800 साल होती है। यीस्ट की उम्र तब बढ़ी जब उसके डीएनए में से दो जीन्स RAS2 और SCH9 को निकाल लिया गया। हमने यीस्ट के अंदर उन पाथवे को देखा जिनसे न सिर्फ यीस्ट की उम्र बढ़ रही थी बल्कि उनसे डीएनए को नुकसान हो रहा था और सेल्स के अंदर कई सिस्टमों को भी नुकसान हो रहा था। वॉल्टर अब ये देखना चाहते हैं कि क्या किसी को जवान बनाए रखने वाला यह तरीका दूसरे जीवों पर भी लागू हो सकता है। इसके बाद वो वैसे ही जीन एक और ज्यादा बड़े जीव में ढूंढने लगे, चूहों में। जब उन्होंने उनके अंदर से वो दोनों जीन निकाल ली तो चूहों की उम्र भी करीब दुगनी हो गई। ये बात हौसला बढ़ाने वाली थी क्योंकि अगर हम चूहे और इंसान को लें तो हमारे बीच करीब 90% की समानता होती है। चूहे की उम्र 2 साल होती है और इंसान की उम्र करीब 100 साल। ऐसे में अगर उनके जीनोम में थोड़े से बदलाव किए जाएं तो उनकी उम्र 2 साल से 100 साल तक पहुंच सकती है। आज फिजिक्स का ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो हमें लंबी उम्र के राज ढूंढने से रोक सके और शायद हमारी इमोर्टैलिटी के राज भी। अगर हम मिसाल के तौर पर लाखों बुजुर्ग लोगों के जीनोम लें और उन्हें आने वाले समय के लाखों नौजवानों के जीनोम में से घटा दें तो हमें वो जीनें मिल जाएंगी जो उम्र बढ़ाने की जिम्मेदार होती हैं। हम अभी तक 60 से ज्यादा जीनों की पहचान कर चुके हैं जो उम्र बढ़ाने की जिम्मेदार होती हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम अभी करीब 100 साल तक जिंदा रहने वाले इंसान की उम्र 2 या 3 हजार साल तक कैसे बढ़ा सकते हैं। वॉल्टर उन इंजनों को लगातार चलाते रहना चाहते हैं और उनका ये मिशन अभी शुरू ही हुआ है। उन्हें काफी लंबा सफर तय करना है। मान लीजिए कि हमें ऐसा तरीका मिल जाता है जिससे हमारे इंजन कई 100 साल तक या उससे भी ज्यादा समय तक चलते रहें, तो हम शायद काफी लंबे समय तक बूढ़े ही रहेंगे। लेकिन साइंटिस्ट ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिनसे हम न सिर्फ लंबे समय तक जिंदा ही रहेंगे बल्कि जवान भी बने रहेंगे। आप हमारा आज का लाइफ स्पैन लीजिए और उसे 5 या 10 गुना बढ़ा दीजिए तो हमारी जवानी की मस्तियां किसी अंतहीन सुंदर सपने की तरह चलती रहेंगी। लेकिन अब ये सोचिए कि हम कई साल से कमजोर हड्डियों, कमजोर नजरों और कमजोर दिमाग से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर हम इमॉर्टल बनना चाहते हैं तो सिर्फ उम्र बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, वो तरीके ढूंढने होंगे जिनसे हमारा शरीर हमेशा के लिए जवान बना रहे। ऑब्री डी ग्रे खुद को आज के दौर का मैथ्यूसला मानते हैं। उन्होंने बढ़ती उम्र को रोकने की कोशिश में अपना पूरा करियर लगा दिया है। इनका मानना है कि जिन लोगों का जन्म आज हुआ है वो 1000 साल तक जिंदा रह सकते हैं और अपनी लंबी उम्र के ज्यादातर हिस्से में वो शरीर से जवान भी बने रहें। लेकिन उसके लिए जरूरत है एक बेहतरीन बायोलॉजिकल हाउसकीपिंग की जिससे हमारे अंदर का सारा कचरा निकल सके।
असल में होता यह है कि शरीर के अंदर कुछ चीजें कचरा जमा करती हैं, हमारे सेल्स, और उन सेल्स के बीच कुछ खास किस्म का कचरा जमा हो जाता है, लेकिन हम उसे कचरा नहीं मानते। जैसे कि डीएनए से हमारे अंदर रैंडमनेस जमा होती है, जो एक तरह का कचरा ही है। सेल्स को हमारे शरीर में बड़ा ही अहम काम करना पड़ता है, लगातार कचरे को तोड़ना पड़ता है, और वो इस काम में माहिर भी होते हैं। लेकिन कई बार इन सेल को ऐसी अनोखी चीजों का सामना करना पड़ता है जिनके ऊपर कोई भी डिग्रेडेशन मशीनरी काम नहीं करती। तब उस कचरे को लाइसोसोम नाम के एक वेसल में भेज दिया जाता है, जिसमें एक सेल के अंदर मौजूद सबसे शक्तिशाली डिग्रेडेशन मशीनरी होती है। अगर वो कचरा वहां भी नष्ट नहीं होता तो हमेशा के लिए वहीं जमा हो जाता है। ऑब्रे मानते हैं कि लाइसोसोमल स्टोरेज यूनिट में कचरे का जमा होना ही उम्र बढ़ने की वजह है, और वो चाहते हैं कि हमारे शरीर में वो कचरा जमा ही ना हो। उन्हें लगा कि इसका सबसे अच्छा तरीका है उस कचरे को करीब से देखना और ये पता लगाना कि कौन सा ऐसा जीव है जिसे वो कचरा खाना पसंद है। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कोई ऐसी प्रजाति है, खासकर किसी बैक्टीरिया की प्रजाति, जो इंसान के शरीर में जमा होने वाले उस कचरे को खा सकती हो। ऑब्रे चिर यौवन की तलाश में जा पहुंचे उस जगह पर जहां इंसान को हमेशा के लिए सुलाया जाता है, कब्रिस्तान में। चूंकि कब्रिस्तान में काफी बड़ी संख्या में सड़ रही लाशें होती हैं, इसलिए उन्हें लगा कि वहां उन्हें ऐसे माइक्रोब मिल जाएंगे जिन्हें सड़ रही लाशें खाना पसंद हो। अगर हमें वो जीने और एंजाइम मिल जाएं जिनसे वो ऐसा करते हैं, तो शायद हम भी उन जीनों और एंजाइम को अपने सेल्स में डाल सकते हैं, और तब शायद हमारे सेल्स भी उन चीजों को तोड़ दें जो कुदरती तौर पर खुद नहीं टूट पाती। लंबी उम्र का राज शायद जमीन के 2 मीटर नीचे छिपा है। ऑब्रे और उनकी टीम अब भी सही माइक्रोब की तलाश कर रहे हैं जो किसी मैमल के सेल में काम कर सके। वो मानते हैं कि अगर वो उन्हें मिल गया तो उससे हमारी उम्र करीब 25 साल बढ़ जाएगी। मुझे तो लग रहा है कि इस बात की संभावना है भी और नहीं भी कि आने वाले 25 साल में हम बोनाफाइड रिजुविनेशन बायोटेक्नोलॉजी की पहली जनरेशन डेवलप कर लेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पास ऐसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी होगी जिन्हें हम 60 से 70 साल की उम्र के लोगों को दे सकेंगे और उन्हें ऐसा बना देंगे कि वो अगले 30 साल तक शायद बायोलॉजिकली 60 या 70 साल के नहीं होंगे। ऑब्रे को तलाश है उस जादुई बुलेट की जो उम्र बढ़ना रोक देगी, लेकिन सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट क्रिस वॉइट तो कुदरत की मदद से ही इंसान के अलग अलग अंगों के लिए उन जीवों की पूरी सेना ही बनाना चाहते हैं। आज हम सिंथेटिक बायोलॉजी में अक्सर उन चीजों से ऐसे अंग बनाने की कोशिश करते हैं जो कुदरत में पहले से ही किसी और वजह से मौजूद हैं। इसके लिए हम अलग अलग जीवों से वो अलग अलग कॉम्पोनेंट लाते हैं और उन्हें साथ में जोड़ते हैं। क्रिस पूरी बायोलॉजी में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढूंढते हैं जिनसे सही अंग बनाए जा सके। उसके लिए उन्होंने सैन फ्रांसिस्को की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ये लैब बनाई है जहां बायोलॉजी मिलती है मैकेनिक्स से। जब हम किसी बीमारी से लड़ने की कोशिश करते हैं, तब बात अगर मैलिग्नेंट सेल्स को मारने की हो तो हम उसके लिए कुदरती दुनिया में मौजूद तमाम फंक्शन के कचरे का इस्तेमाल करते हैं और उनकी पहचान करते हैं जो हमारे काम के हों, और फिर उनकी मदद से अपने शरीर में हुई बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा बायो रोबोट बनाना चाहते हैं जो अपने आसपास के माहौल की पहचान कर सके, और उसके लिए क्रिस और उनकी टीम को एक सेंसर वाले जीव की जरूरत थी जो उन्हें मिला तालाब की कीचड़ में। उन्होंने देखा कि उसमें उगी काई में लाइट सेंसर हैं। हमने वो बैक्टीरियम लिया जो आमतौर पर हमारी आंत में पाया जाता है और वहां उसे सूरज की रोशनी नहीं मिलती, और हमने उसे काई के एक लाइट सेंसर में डाल दिया। क्रिस के इस बैक्टीरियल डार्क रूम में उन बैक्टीरिया की भी बस्ती है जिनमें काई की लाइट लगी है, और वो स्लाइड से प्रोजेक्ट होने वाली तस्वीरों को सेंस कर लेते हैं। ये देखने में भले ही बैक्टीरियल आर्ट लगता हो, पर ये ऐसे प्रोग्रामेबल बायोलॉजिकल रोबोट बनाने की दिशा में पहला कदम है जिससे हम अपने शरीर को हमेशा के लिए स्वस्थ बना सकते हैं। हमारे पूरे शरीर में बैक्टीरिया रहते हैं और हम उन्हें इस तरह से रीप्रोग्राम कर सकते हैं कि उनसे ऐसी किसी भी बीमारी का इलाज कर सकें जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। उसकी संभावनाएं अनगिनत हैं।
क्रिस के वो फोटोग्राफिक बैक्टीरिया खुद को एक स्विच की तरह ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या क्रिस ये पता लगा पाएंगे कि उस स्विच को कैसे प्रोग्राम या कंट्रोल करना है। हम चाहते हैं कि हमारे सेल्स की प्रोग्रामिंग भी वैसी ही हो जैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है या जैसे इलेक्ट्रॉनिक चिप की डिजाइनिंग की जाती है, जिनमें एक प्रोग्रामर के तौर पर हम ये लिखते हैं कि उनके एग्जैक्ट फंक्शन क्या होंगे, और हम सेल्स से भी वही करवाना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। फिर वो हमारे डीएनए सीक्वेंस पर भी उसी तरह से कंपाइल हो जाएगा जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम बाद में वंस एंड जीरोस में कंपाइल हो जाता है। यही हमारा सपना है। बायोरोबोट शायद एक दिन हमारी रगों में दौड़ने लगे और वो हमारे अंगों की निगरानी करे, और अगर हमारा शरीर किसी बीमारी के खतरे का संदेश दे तो वो उससे निपटने चले आए। क्रिस वाइट और ऑब्रे डी ग्रे के हमारे शरीर को हमेशा के लिए स्वस्थ बनाने की रिसर्च अपनी शुरुआती दौर में ही है। लेकिन इन बातों का हम जैसे इंसानों के लिए क्या मतलब है जो वो देख ही नहीं सकते कि इमॉर्टेलिटी हमारी पहुंच में है। हाँ, एक ऐसी चौंकाने वाली संभावना है जिससे हम शायद अपनी मौत के बाद भी बचे रहे। हम सब इस तरह से जेनेटिकली प्रोग्राम किए गए हैं कि हमें जिंदगी से लगाव होता है और हम मौत से दूर भागना चाहते हैं। लेकिन एक दिन हम इमॉर्टैलिटी के राज भी जान लेंगे, मगर अभी मंजिल बहुत दूर है। अभी भी मौत को मात देने के लिए हम बढ़ती उम्र को बर्फ पर रख सकते हैं, और तब शायद हम अपनी मौत के काफी समय बाद भी इटर्नल लाइफ पा सकें। ग्रेग फेही एक क्रायोबायोलॉजिस्ट है। उनकी 21 सेंचुरी मेडिसिन नामक एक बायोटेक आउटफिट की टीम का एक ही मकसद है, इंसान के ऑर्गन और उसके टिश्यू को फ्रीज कर देना ताकि उन्हें कई सदी बाद भी रिवाइव किया जा सके। क्रायो प्रिजर्वेशन असल में लिविंग सिस्टम को बहुत कम तापमान पर प्रिजर्व करने का एक तरीका है। हम ऐसे तापमान की बात कर रहे हैं जो इतना कम होता है कि हम उनमें किसी सिस्टम को काफी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और फिर उनका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन का मकसद है किसी सेल या टिश्यू और ऑर्गन को समय में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, वो भी इस तरह से कि इस प्रोसेस के दौरान वो सिस्टम नहीं बदले। साइंटिस्ट कई दशक से पूरे ऑर्गन को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये काम खाने की चीजों को फ्रीजर में डालने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। जब कोई बायोलॉजिकल मटेरियल फ्रीज होता है तो उसमें बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं और वो सेल्स को उनकी नॉर्मल पोजीशन से हटा देते हैं। जब उस ऑर्गन को पिघलाया जाता है तो वो भले ही बाहर से सही सलामत दिखे, लेकिन अंदर से वो इतना खराब हो चुका होता है कि उसे रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी समस्या मैकेनिकल है। जब उन सेल्स के बीच बर्फ जम जाती है तब वो उन्हें अपनी सही जगह से हटा देती है, जिससे वो पूरा स्ट्रक्चर ही काम करना बंद कर देता है, भले ही वो सेल्स सही सलामत बचे रह जाते हैं। ग्रेग और उनकी टीम ने फैसला किया कि वो शरीर के फ्लूइड को ही जमने से बचाएंगे, और फिर वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिससे शरीर के उन फ्लूइड को एक बायोलॉजिकल कांच में बदला जा सके। इस तकनीक को वो विट्रिफिकेशन कहते हैं। विट्रिफिकेशन का मतलब है कांच बनाना। अगर हम पानी को कई दूसरे केमिकल के साथ मिलाएं और वो केमिकल बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले हों, तब उन्हें बहुत कम तापमान पर ठंडा करने पर वो सिस्टम कभी फ्रीज नहीं होगा, भले ही हम तापमान कितना भी कम क्यों ना कर दें। ये देखने के लिए कि क्या विट्रिफिकेशन से पूरे ऑर्गन के फंक्शन प्रिजर्व हो पाते हैं या नहीं, ग्रेग की टीम ने एक खरगोश की किडनी को विट्रिफाई किया। यह है हमारी किडनी प्रोफ्यूजन लैब। यहाँ बैकग्राउंड में जॉन उस किडनी के वैस्कुलर सिस्टम के जरिए क्रायोप्रोटेक्टेंट की डिलीवरी कर रहे हैं ताकि किडनी अनफ्रीजेबल बन जाए। हमने किडनी को एक स्पेशल चेंबर में रखा है, वो चेंबर टेम्परेचर कंडीशनड है ताकि टॉक्सिसिटी कम से कम हो जाए, और इस प्रोसेस के आखिर में हम किडनी को निकालकर ट्रांसप्लांट करेंगे। हालांकि इस किडनी को -22 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया था, फिर भी वो एक नॉर्मल किडनी की तरह काम कर रही है। ये इस बात का सबूत है कि ग्रेग की विट्रिफिकेशन तकनीक काम करती है, और शायद इस तकनीक से हम इंसान के अंगों को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर हम उसे ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर के नीचे ठंडा करें तो हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक हम एक सिस्टम को हजारों साल तक स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम अपने शरीर को बर्फ में डाल देते हैं और उसे आज से 10,000 साल बाद रिवाइव करते हैं, तब तो जागने पर
हमें ऐसा ही लगेगा ना जैसे हम उस युग में पहुंच चुके हैं जिसमें साइंस ने इमॉर्टेलिटी को मुमकिन बना दिया है। ग्रेक शायद कुछ साल बाद कुछ गिने चुने लोगों की उम्र बहुत लंबी कर दें, लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब क्रायो प्रिजर्वेशन इंसान के पूरे शरीर पर काम करे, सिर्फ किडनी और ब्लैडर जैसे कुछ अंगों पर ही नहीं बल्कि शरीर के सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन दिमाग पर भी काम करे। ये है हमारी ब्रेन स्लाइस विट्रिफिकेशन लैब। इस सेटअप में हमें दिमाग की हिप्पोकैम्पल स्लाइस दिख रही है और हमारे दिमाग का कुछ सीखने और मेमोरी से जुड़ा ये भाग अभी भी एक डिश में रखा है। दाईं ओर से एक स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड आ रहा है जो उस स्लाइस के अंदर जा रहा है। बाईं ओर एक रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड लगा है। इस ब्रेन स्लाइस को विट्रिफाई किया गया है। ये स्लाइस अभी भी काम कर रही है और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी डाली जाती है तो वो पलट कर सिग्नल देती है। ग्रेग और उनकी टीम के लिए ये बात चौंकाने वाली है। इस ब्रेन टिश्यू के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है और उसका इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जैसा कि हमारी ओरिजिनल स्थिति में होता है। ऐसे में इस ब्रेन स्लाइस की रिकवरी पूरी हो गई है। दिमाग की इस स्लाइस को प्रिजर्व करना पूरे दिमाग को प्रिजर्व करने की दिशा में बड़ा ही अहम कदम है। ये एक बड़ा ही अहम प्रोजेक्ट है और ग्रेग इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। हमने देखा कि दिमाग को विट्रिफाई करना काफी आसान है और ऐसा लगता है जैसे पूरा स्ट्रक्चर ही प्रिजर्व हो गया हो, लेकिन मुझे ये कहने में जरा भी हिचक नहीं महसूस हो रही कि हम अभी भी उस स्थिति में नहीं पहुंचे कि उस तरह का कोई स्पेक्युलेटिव आइडिया दे सकें। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आने वाले दिनों में किसी अनजान टेक्नोलॉजी की बदौलत हम अपनी प्रिजर्वेशन टेक्निक की कमियों को दूर करके ऐसा कर सकते हैं। मैं संभावना से इनकार नहीं कर सकता। हो सकता है कि एक दिन अपने प्यारों को अलविदा कहने के कई सौ साल बाद हमारा फ्रोजन शरीर फिर से जीवित हो जाए और हम फिर से पृथ्वी पर घूमने लगें। लेकिन इमॉर्टैलिटी के लिए एक और बेहतर रास्ता भी है, वो रास्ता जो उस स्वभाव को ही बदल देगा जिसकी वजह से हम इंसान हैं। जरा सोचिए अगर किसी की मौत ही ना हो फिर हम कहां रहेंगे? पृथ्वी पर तो वैसे ही काफी भीड़ हो चुकी है। हो सकता है कि हमारी कभी मौत ही ना हो और हम इस एक्सेस बैगेज के साथ जिंदा रहें। पोलिट्स कहते हैं कि एसएस सर्विस यहां पर है, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे जो चीजें मैं बनाती हैं वो सब यहां पर हैं। ऐसे में अगर मैं हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहता हूं तो मुझे इसे ही संभालना होगा। अगर हमें अपने दिमाग को अपलोड करने का एक तरीका मिल जाए तो, अगर हम अपने दिमाग को डिजिटाइज कर दें तो शायद हमारे शरीर की मौत के बाद भी हमारा दिमाग बचा रह जाएगा। लेकिन ऐसा करने के पहले हमें अपने दिमाग के आर्किटेक्चर को समझना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि वो क्या चीज है जो हमें वो बनाती है जो हम हैं। ऑल्फ स्पॉन्स इंडियाना यूनिवर्सिटी में एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं और वो दिमाग की उसी पहेली को हल करने में जुटे हुए हैं। हमारा दिमाग भी एक बड़े शहर जैसा है। शहर भी बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम वाले होते हैं जहां हजारों लोग रहते हैं और उनके बीच सोशल इंटरेक्शन होता है जिससे मटेरियल का फ्लो बना रहता है। दिमाग में भी उसी तरह के लाखों न्यूरॉन होते हैं जिनके बीच इंटरेक्शन होता रहता है। उस लिहाज से हमारा दिमाग भी एक शहर जैसा ही होता है। इंसान का दिमाग ब्रह्मांड के सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में से एक है। अगर हम इसको खोल कर फैलाएं तो पृथ्वी से चांद पर पहुंच जाएगा। आज की साइंस के लिए ये पता लगाना बड़ी ही मुश्किल चुनौती है कि हम सेल्स और वायर से थॉट और मेमोरी तक कैसे पहुंचे। हालांकि हम इंसान के दिमाग की स्टडी शायद कई दशक या कई सदी से कर रहे हैं, पर हम आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि वो किस तरह से आपस में कनेक्टेड है। लेकिन ओलफ ने ये चुनौती कबूल कर ली है। उनका मकसद है कि हमारे दिमाग के एक एक न्यूरॉन और सिनेप्स की लिस्ट बनाना और उनकी मदद से दिमाग का वो कंप्लीट मैप बनाना जिसे कनेक्टम कहते हैं। वो कनेक्शन का एक बहुत ही बड़ा जाल है जिसकी मदद से हमें पहली बार ये समझने का मौका मिलेगा कि हमारे दिमाग के अलग अलग रीजन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। ओलफ एक बड़ी ही आला दर्जे की तकनीक डिफ्यूजन इमेजिंग से वो कनेक्टम बना रहे हैं। वो दिमाग के न्यूरो हाईवे के आसपास मौजूद पानी के मॉलिक्यूल की मदद से उनके बीच के दूर वाले कनेक्शन के बारे में बताती हैं।
उससे दिमाग के सेल कनेक्शन के सेंट्रल कोर का एक डिटेल्ड मैप सामने आया। ओलाफ मानते हैं कि दिमाग के उसी भाग से हमारी पर्सनालिटी बनती है। हमें हाल ही में पता लगा है कि दिमाग के कुछ हिस्से एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड हैं, जबकि कुछ हिस्से कम, और उनमें से कुछ हिस्से पूरे दिमाग की फंक्शनिंग के लिए बेहद अहम होते हैं, और उन हिस्सों को हम हब कहते हैं। अगर हमारा दिमाग एक शहर जैसा है तो ये हब शहर के बड़े चौराहों जैसे हैं, जहां से ट्रैफिक का आना जाना लगा रहता है और लोग एक से दूसरी जगह तक आते जाते हैं। वो चौराहे शहर के लिए बड़े अहम होते हैं, और अगर वो अपसेट हो जाए तो पूरा शहर ही बंद सा पड़ जाता है। अपने स्वभाव से वो हब असल में इंफॉर्मेशन ट्रैफिक के फोकल पॉइंट होते हैं। इंफॉर्मेशन इन इलाकों में ही जमा होती है और वहीं से इंफॉर्मेशन का फ्लो बनता है, और वो इंफॉर्मेशन फ्लो इतना जबरदस्त होता है कि वही इन हब को दिमाग के दूसरे हिस्सों से अलग कर देता है। ओलफ जल्दी ही ये भी पता लगा लेंगे कि हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ होती है, और आज हमारे कॉन्शियसनेस के ओरिजिन का पता लगाना ही न्यूरोसाइंस का सबसे अहम मकसद है। उस गुत्थी के हल होने के बाद ही हम ये जान पाएंगे कि क्या हम इंसान के दिमाग की नकल करके उसके कॉन्शियसनेस को किसी मशीन में ट्रांसफर कर सकते हैं, ताकि हम हमेशा के लिए जिंदा रह सके। ओलफ मानते हैं कि उन्हें वो हब मिल गया है जिससे ये गुत्थी हल हो सकेगी। वो है मीडियल पैराइटल कॉर्टेक्स। ये दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर के बीच होता है। ओलफ को यह भी लगता है कि शायद उसमें ही इस बात का एसेंस भी छिपा है कि हम कौन हैं। हमारे दिमाग के बहुत से तार तो उसी जगह पर जाकर मिलते हैं। इस बात के कई ऐसे सबूत हैं कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा ही सेंट्रल है, और वो सबसे अहम भी है, शायद अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के लिए भी। ओलफ मानते हैं कि उन्होंने शायद कॉन्शियसनेस के राज जान लिए हैं, लेकिन दावे से कुछ कहने के पहले उन्हें अभी बहुत काम करना होगा। हमें बहुत जल्दी इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, और हम ये जान लेंगे कि दिमाग का कौन सा हिस्सा उस खास फंक्शन के लिए सबसे ज्यादा अहम है, और जिसकी वजह से हम कॉन्शियसनेस के बारे में जानने के और करीब पहुंच सकते हैं, और ये भी जान सकते हैं कि दिमाग के और दूसरे क्रिटिकल कॉम्पोनेंट कहाँ हैं जो इस काम में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। न्यूरोसाइंस ने दिमाग की मैपिंग की दिशा में काफी तरक्की की है, और वो जल्दी ही कॉन्शियसनेस की पहेली को भी हल कर लेगी। लेकिन क्या हम कभी उन हजारों करोड़ सिनेप्स और करोड़ों न्यूरॉन को कैप्चर करके खुद को एक मशीन में डाउनलोड कर पाएंगे? उन चीजों के बारे में सोचिए जो हमारी असली दुनिया में होती हैं। हम आपस में जो बातें कर रहे हैं उसमें आवाज के साथ साथ जेस्चर भी हैं, और हमारा दिमाग इस एम्बॉडीड मैनर में इंटरैक्ट कर रहा है। ये सब एक कंप्यूटर में नहीं हो पाएगा, फिर भी हम ये तो जरूर जान लेंगे कि जीवन क्या है। मुझे तो इस पूरी बात पर संदेह है। शायद हम अपने कॉम्प्लेक्स दिमाग को कभी भी इमॉर्टल न बना पाए, लेकिन शायद हमेशा जिंदा रहने का एक आसान तरीका हो जो शायद हमारे लिए नहीं पर उन इमॉर्टल जीवों के लिए होगा जिन्हें हम बिल्कुल नए सिरे से बनाएंगे। पृथ्वी पर जीवन को इवॉल्व होने में 400 करोड़ साल लगे। हम प्रजातियों की उस लंबी लाइन में सबसे नए हैं, लेकिन उम्मीद है कि हम आखिरी नहीं होंगे। मगर इमॉर्टैलिटी की हमारी ये खोज शायद एक डिजास्टर साबित हो, क्योंकि पहले इटर्नल जीव शायद इंसान न हो, और शायद उनकी वजह से हम भी खत्म हो जाएं। कॉम्प्लेक्स जीवन कुछ बड़े ही आसान से नियमों से शुरू होता है। शायद यही बात आर्टिफिशियल लाइफ पर भी लागू हो। अगर इंसान को वो नियम मालूम हो जाएं, तो हम शायद ऐसे जीव बना लें जो हमेशा जिंदा रहें। ऑक्सफोर्ड के फिजिसिस्ट व्लाडको विड्राल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इंटेलिजेंस एक ऐसे सिस्टम से मिल सकती है जो कुछ बड़े ही बुनियादी नियमों पर चलता हो। यह है चेस। ये एक बड़ा ही मुश्किल खेल है, लेकिन ये कुछ बड़े ही मामूली से नियमों से खेला जाता है। दोनों तरफ 16 मोहरे होते हैं, और हर मोहरा दो में से एक ही काम कर सकता है। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हालांकि हम एक या दो बड़े मामूली से नियमों की बात कर रहे हैं, फिर भी हमें ब्रह्मांड के ढेर सारे फोर्सिबल बिहेवियर का सामना करना पड़ सकता है। 1970 में जॉन कॉनवे नाम के एक मैथमेटिशियन ने इस दिशा में काम करना शुरू किया था, और उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से एक ऐसी आर्टिफिशियल लाइफ बनाने की कोशिश की थी जिसका नाम उन्होंने गेम ऑफ लाइफ रखा था। वो गेम एक टू डायमेंशनल ग्रिड और कुछ सिंपल सेल्स की मदद से
आर्टिफिशियल लाइफ की ग्रोथ को सिमुलेट करता था और वो सेल्स या तो जिंदा होते या मुर्दा। वो सेल्स जिंदा होंगे या मुर्दा, ये बात कुछ बुनियादी नियमों से तय होती थी। सही वक्त मिलने पर इन साधारण से नियमों से कई बड़े कॉम्प्लेक्स पैटर्न बन सकते हैं और उनमें से कुछ तो जीते जागते जीव जैसे भी लगते हैं। जॉन कॉनवे ने भी जीवन के बारे में यही बात बताने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया था कि वो भले ही हमें बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है और ये एक चमत्कार ही है कि हमारे आसपास भी जीवन है, लेकिन उन्होंने उसे एक गेम में बनाया था जो दो या तीन बड़े ही साधारण से नियमों पर चलता था और उससे कुछ बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न बन रहे थे। लेकिन ये पैटर्न आखिर इतने कॉम्प्लेक्स होने के बाद जिंदा, इंटेलिजेंस या इमॉर्टल हो सकते हैं? राटको को लगता है कि इंसान का दिमाग एक अच्छा पैमाना है और वो उसकी प्रोसेसिंग पावर को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान का दिमाग आज भी दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। आज का कोई भी कंप्यूटर एक सेकेंड में 10,000 करोड़ बीट तक ही काम कर सकता है, लेकिन हमारा दिमाग उससे कम से कम 10,00,000 गुना तेज होता है। ऐसे में इंसान के एक दिमाग को सिमुलेट करने के लिए हमें एक साथ 10,00,000 लैपटॉप को चलाना पड़ेगा। आज का कोई भी कंप्यूटर इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लाइफ को अपने अंदर समा सके। व्लाटको मानते हैं कि इसका जवाब है एक अलग तरह के कंप्यूटर का इस्तेमाल, क्वांटम कंप्यूटर का। क्वांटम कंप्यूटर असल में कंप्यूटेशन के लिए भविष्य की टेक्नोलॉजी है और वो कंप्यूटर इतना फास्ट होगा कि आज का कोई भी कंप्यूटर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ट्रांजिस्टर की बजाय वो क्वांटम डिवाइस एक एक एटम की मदद से कंप्यूट करेंगे और वो वंस और जीरोस की मदद से हाँ या ना में जवाब देने की बजाय क्वांटम कंप्यूटर के एटम में वंस और जीरोस के बीच की हर चीज होगी एक कॉम्प्यूटेशनल मेबी के तौर पर। क्वांटम कंप्यूटर असल में सुपरपोजिशन नाम के क्वांटम इफेक्ट का इस्तेमाल करेगा, जिसका मतलब होता है एक ही वक्त पर अलग अलग रूप में कई जगहों पर होना। अलग अलग रूपों को हैंडल करने की इसी खूबी की वजह से क्वांटम कंप्यूटर एक ही झटके में कई ओवरलैपिंग प्रॉब्लम हल कर लेंगे, वैसे ही जैसे हमारा दिमाग करता है। इस तरह से हमें एक ही वक्त पर एक साथ कई अलग अलग मोड मिलेंगे, जो वैसे ही होंगे जैसे एक ही जगह पर एक ही साथ कोई चीज कई अलग अलग रूप में मौजूद हो। और क्वांटम कंप्यूटेशन अपनी फुल पावर पर कई मायनों में अनलिमिटेड होगा, जिसमें हम जीरो और वन के बीच की हर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और तब हम उस स्टेज पर भी पहुंच सकते हैं जहां हम बहुत सी चीजों को एनकोड कर सकते हैं और उसकी कैपेसिटी की कोई सीमा नहीं होगी। हो सकता है कि एक ऐसा वक्त भी आए जब इंसान अपनी इमोर्टैलिटी से कहीं आगे निकल जाए, वो इटर्नल आर्टिफिशियल लाइफ बनाने लगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आर्टिफिशियल और बायोलॉजिकल जीव साथ में रहेंगे कैसे? कुछ लोग मानते हैं कि जल्दी ही कंप्यूटर हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे और वो हमें चिड़ियाघरों में रख देंगे, लेकिन अभी तो कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस काम को अंजाम दे सके। हमारे पास एक भी ऑपरेटिंग क्वांटम कंप्यूटर नहीं है। एक क्वांटम कंप्यूटर का कैलकुलेशन फिलहाल तो बस यही है, 3×5 होते हैं 15। हम कई बार ये बात भूल जाते हैं कि कंप्यूटर और रोबोट चाहे कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाएं, वो एक एडिंग मशीन ही रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास भी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और इनिशिएटिव होंगे। वो किसी भी सूरत में इंसान की भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, ना ही वो कभी हमारी तरह से तर्क ही कर पाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि हमें अभी काफी लंबा सफर करना है, उसके बाद ही हम उस थिंकिंग प्रोसेस की नकल कर पाएंगे जो एक इंसान के अंदर जन्म से ही होता है। मतलब हम अभी क्वांटम इंटेलिजेंस के गुलाम तो नहीं बनने वाले, लेकिन इस फिजिसिस्ट का मानना है कि इंसान की किस्मत में कुछ और ही लिखा है। एक दिन आर्टिफिशियल और बायोलॉजिकल जीवों के बीच की वो लाइन मिट जाएगी और हकीकत बन जाएगी, सिर्फ जिंदा जीवों के लिए ही नहीं बल्कि मुर्दों के लिए भी। हमें यही बताया गया है कि साइंस और धर्म दो अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसा नहीं मानते थे। वो कहते थे कि धर्म के बिना साइंस अपाहिज हो जाएगा और साइंस के बिना धर्म भी अंधा हो जाएगा। हम इमॉर्टैलिटी तभी पा सकते हैं जब इंसान और ईश्वर का एक कभी न खत्म होने वाले कॉस्मिक कंप्यूटर में फ्यूजन हो जाए। बहुत कम ही लोग इंसान के भविष्य के बारे में उस तरह से सोचते हैं जिस तरह से न्यू ऑलियंस में मौजूद ट्यूलेन यूनिवर्सिटी के
मैथमेटिकल फिजिसिस्ट फ्रैंक टिपलर सोचते हैं। फ्रैंक का कहना है कि हमारे एवोल्यूशन में एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ब्रह्मांड और ईश्वर एक हो जाएंगे। उस वक्त को उन्होंने ओमेगा पॉइंट का नाम दिया है। ओमेगा पॉइंट इस ब्रह्मांड का अंत है। इस प्रोसेस में इंसान या कह लीजिए हमारे वंशज इस ग्रह से कहीं आगे तक जाएंगे और एक दिन पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएंगे। जब हमारे वंशज इस फाइनल स्टेज में पहुंचेंगे तब उनके ज्ञान, उनकी शक्ति और उनकी कंप्यूटर कैपेसिटी की कोई सीमा नहीं होगी। फिजिक्स के एक नियम से एक ऐसा प्रोसेस होता है जो मैटर को बदल देता है। मिसाल के तौर पर इस कब्र के पत्थर को शायद प्योर एनर्जी में बदल दिया जाए। वो एक ऐसा एनर्जी सोर्स होगा जो हमारे वंशजों के पास होगा और वो उनके कंट्रोल में होगा। हमें इमोर्टैलिटी भले ही 100 करोड़ साल बाद मिले या इसी सदी में मिल जाए, लेकिन मौत पर विजय मिलने के बाद हमारी पूरी सभ्यता ही बदल जाएगी। हम जिस तरह से जीते हैं, काम करते हैं या एक दूसरे से प्यार करते हैं, सब बदल जाएगा। सवाल शायद ये नहीं है कि हम हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या हमें हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहिए। एलेक्जेंडर रोज लॉन्ग न्यू फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उस संस्था के जिसका मकसद है एक बड़ी ही अनोखी घड़ी बनाना। उसका नाम रखा गया है लॉन्ग नाव की घड़ी और वो घड़ी 10,000 साल तक चलती रहेगी। हमने 10,000 साल तक चलने वाली वो घड़ी इसीलिए बनाई है कि लोगों को काफी लंबे समय के लिए एक अलग पर्सपेक्टिव मिल सके। अगर आपको लगता है कि दूसरी चीजें इंसान की उम्र लंबी कर सकती हैं, तो आप दुनिया को एक बिल्कुल ही अलग तरीके से अप्रोच करेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे अगर हम 10,000 साल चलने वाली इस घड़ी को 10 साल के लिए बनाते तो उसे डिजाइन करने का हमारा तरीका बिल्कुल अलग होता, लेकिन हम इस घड़ी के साथ अगले 10,000 साल के जिम्मेदार हो गए हैं। 10,000 साल पीछे जाने का मतलब होगा कि हम स्टोन एज में रह रहे हैं। अगर 10,000 साल आगे जाते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया में होंगे जहाँ की सभ्यता और टेक्नोलॉजी हमारी समझ से परे होगी। 10,000 साल वाली इस घड़ी को बनाते वक्त हमें एहसास हुआ कि जो सबसे ड्यूरेबल डिजाइन है उसे बिल्कुल सिंपल बनाना। लॉन्ग नाव की घड़ी पूरी तरह से मैकेनिकल होगी। उस घड़ी को पार मिलेगी ग्रेविटी की फोर्स से। उसमें वेट से चलने वाला सिस्टम थ्रेडेड बार को चलाएगा। वो घड़ी एक पेंडुलम की मदद से कम अवधि का हिसाब रखेगी, तो एक सोलो सिंक्रोनाइजर की मदद से लंबी अवधि का। हो सकता है कि यह डिवाइस शायद 10,000 साल तक ना टिके, लेकिन अलेक्जेंडर को इससे मतलब नहीं है। वो तो हमें यह दिखाना चाहते हैं कि 10,000 साल बाद हम कैसे होंगे। जैसे ही हम इस 10,000 साल वाली घड़ी को देखते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले सवाल यही आता है कि क्या उस वक्त इस दुनिया में इंसान नहीं होंगे? इस घड़ी में चाबी भरने वाले हाथ किस तरह के होंगे? वो हमारे जैसे ही होंगे या बिल्कुल अलग हाथ होंगे? इन बातों को सुनने के बाद हमारे मन में उतने लंबे समय की जिम्मेदारी लेने की बात आने लगती है। आज से 10,000 साल बाद शायद इंसान अमर हो जाए, और अगर ना भी हो पाए तो उनकी उम्र हमारी उम्र से कहीं ज्यादा लंबी होगी। अगर हमारी उम्र 1,000 साल या उससे ज्यादा हो गई तो शादी और दूसरे रिश्तों का क्या होगा? अभी तो इतनी छोटी सी उम्र में ही ज्यादातर लोगों के तलाक हो जाते हैं, लेकिन अगर हम 1,000 साल तक जिंदा रहने लगे तो पता नहीं हमारी कितनी शादियां होंगी। मुझे नहीं लगता मैं कभी अमर हो पाऊंगा, मेरी बीवी ही मुझे पहले मार डालेगी। हम भले ही चाहें या ना चाहें, पर आज बहुत से वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि एक दिन हम ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां ना उम्र होगी, ना बीमारियां होंगी, ना ही मौत होगी, और हम कभी न खत्म होने वाली जिंदगी का मजा लेंगे। लेकिन उसके पहले हमें कभी न खत्म होने वाली जिंदगी की मुश्किलों का सामना करना भी सीखना होगा। माइथोलॉजी कहती है कि हमारी मॉर्टैलिटी से ईश्वर को जलन होगी। हमारी मौत ही हमारी जिंदगी को इतनी अहम बनाती है। उसी वजह से हम कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा महान बनना चाहते हैं, और उसी मौत की वजह से हम में इंसानियत पैदा होती है। लेकिन जब तक हमारे दिल में मौत का डर रहेगा, हम उस कभी खत्म न होने वाली जिंदगी के सपने देखते रहेंगे, और यही वो बात है जो हमें इंसान बनाती है।